हेलो गाइस, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज ऑफ एएससी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 के जो केमिस्ट्री का एक्सरसाइज चला रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का, उसी के क्वेश्चन को 7.9 तक हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में। इसके आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाएंगे उसको हम लोग एक और वीडियो बना करके दे देंगे। तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है 7.10 कि व्हाई डज R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर R एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि बीच में आपका सेंट्रल एटम P है, R मीन्स एल्काइल ग्रुप। तो P से आप देख रहे हैं कि तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है। तो यानी यहाँ पर P के लिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो P का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हो रहा है आपका 5। और नाइट्रोजन के लिए भी उसी तरह से हम देखेंगे तो नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के लिए कोवैलेंसी की जब बात आती है तो नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, उसमें केवल एस और पी ऑर्बिटल होता है। तो इसके कारण वहाँ पर कोवैलेंसी की बात जो आती है तो कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो पाती ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। लेकिन फॉस्फोरस में चूंकि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो इसलिए 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और यही कारण है कि R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है लेकिन N डबल बॉन्ड O नहीं एग्जिस्ट करता है। तो आप उसको लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन N एटम। N में नहीं है तो आपका ये डी पाई और पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बन पाता है। तो इसलिए इसकी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 4 से ज़्यादा? क्योंकि ये डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो इन R3N डबल बॉन्ड हो, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 5 होना चाहिए, क्या कि 3 इधर हो गया 2 इधर, 5 होना चाहिए। लेकिन इसलिए 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता नाइट्रोजन का, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। फॉस्फोरस में जस्ट इसका उल्टा है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए आपका ये बॉन्ड जो है डी पाई पी पाई बन जाता है। और इसलिए वहाँ पर 4 से ज़्यादा ऑक्सीजन को वैलेंसी भी एग्जिस्ट करती है, तो R3P डबल बॉन्ड वो आपका एग्जिस्ट करता है। इसके बाद है 7.11 में कि एक्सप्लेन व्हाई NH3 इज बेसिक व्हाइल BiH3 इज ओनली फीबल बेसिक। तो देखिए, बेसिक टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। तो जब हम अमोनिया की बात करते हैं NH3 की, तो उसमें सेंट्रल एटम होता है हमारा नाइट्रोजन, और BiH3 की बात करते हैं तो उसमें सेंट्रल एटम होता है बिस्मथ। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का साइज उस ग्रुप में सबसे छोटा होता है, जबकि बिस्मथ का साइज बड़ा होता है रेस्पेक्टिवली। तो जब छोटा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसके पास जो नाइट्रोजन या सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो रेस्पेक्टिवली ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कम स्पेस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और बिस्मथ का साइज बड़ा है तो वहाँ पर प्रेजेंट उतना ही है, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, स्पेस बढ़ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर कम हो जाती है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा काम करेगा। तो इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नाइट्रोजन के केस में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बिस्मथ। तो इसलिए NH3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है एज कंपेयर टू BiH3। तो इसीलिए NH3 आपका बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ये रखता है। और Bi में ये टेंडेंसी बहुत कम पाई जाती है, इसलिए फीबल बेसिक होता है। तो वही हम लोग लिख सकते हैं कि ड्यू टू द स्मॉलर एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन N एटम
इज ग्रेटर देन दैट ऑन बिस्मथ, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ NH3 इज मोर देन BiH3, दैट्स वाई NH3 इज मोर बेसिक देन BiH3। इसके बाद 7.12, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मोलिक्यूल एंड फॉस्फोरस एज P4, व्हाई? तो देखिए, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में यानी दो एन एटम के बीच में आप जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड भी, तो ये दो साइज छोटा होने के कारण दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है और ये ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसलिए आपका N2 मोलिक्यूल एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन ये फॉस्फोरस के केस में ऐसा बॉन्ड नहीं बन पाता, पी पाई बॉन्ड नहीं बन पाता, तो इसलिए वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन पाता। पी पाई का मतलब प्योर बाइटल के बीच पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड नहीं बन पाता, केवल सिग्मा बॉन्ड ही बन पाता है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड बनता है और इसीलिए यह किटनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हुए P4 के रूप में पाया जाता है, P2 के रूप में नहीं पाया जाता। तो मेन कारण क्या हुआ कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में पाई पाई बॉन्ड का बनना, जिसके कारण नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है स्मॉलर साइज के कारण, जबकि फॉस्फोरस ऐसा नहीं करता, वो सिंगल बॉन्ड ही बना पाता है, जो वीकर होता है रेस्पेक्टिवली। इसके बाद है राइट मेन डिफरेंसेज बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। तो ये हम लोग फॉस्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म में पढ़ चुके हैं, वीडियो में आप देख चुके हैं, उसमें डिटेल्स लिखा हुआ है, आप नोट्स तैयार भी किए होंगे, तो वही बस सेम आपका डिफरेंस हो जाएगा, नहीं हो तो आप रिवाइज करके देख लीजिएगा वीडियो को, वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है कि व्हाई डज नाइट्रोजन शो किटनेशन प्रॉपर्टीज लेस देन फॉस्फोरस। तो अब यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन के साथ फिर वही बात है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, तो वीकर होता है, और फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि एन एन के बीच में साइज तो छोटा है, आप कहेंगे कि साइज छोटा है तो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तो साइज छोटा होने पर सिंगल बॉन्ड वहाँ पर एन एन के बीच में जो बन रहा है, तो उसमें ज़्यादा साइज छोटा होने के कारण जो बॉन्डिंग में आया वो तो ठीक है, लेकिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है। बॉन्डिंग का अट्रैक्शन हुआ, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन हुआ एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, लेकिन जो उसी के साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके बीच में रिपल्सन भी ज़्यादा हो जाता है, तो इसके कारण एन एन बॉन्ड जो होता है रिस्पेक्टिवली वीकर हो जाता है। तो द सिंगल एन एन बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल PP बॉन्ड ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन N2 हैविंग ए स्मॉल बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, बॉन्ड साइज छोटा है, नज़दीक आएंगे तो जो बॉन्ड में हुए वो तो नज़दीक हो गए, स्ट्रॉन्गली बन गए, लेकिन उनके साथ ही प्रेजेंट हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्लोज आते हैं और रिपेल करने लगते हैं, तो रिपल्सन के कारण उनका ये बॉन्ड ओवरऑल कमजोर पड़ जाता है। तो देयरफॉर किटनेशन प्रॉपर्टी इज वीकर इन नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। क्लियर है? अब इसके बाद 7.15 में दिया हुआ है कि गिव द डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन ऑफ H3PO3, इसको हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक रिएक्शन उसका हम लिख दे रहे हैं, ये फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड में और यहाँ पर PH3 गैस रिलीज हो जाती है, फॉस्फीन गैस, यहाँ पर फॉस्फीन आप लिख सकते हैं, फॉस्फीन गैस ये निकलती है, तो ये रिएक्शन आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7.16 में देखते हैं कि कैन PCl5 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जस्टिफाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट के लिए चाहिए कि उसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना चाहिए,
तो PCl5 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है जो फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकता, तो इसलिए PCl5 रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकता। अब उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वो काम कर सकता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो सकता है, तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 PCl5 में, तो ये +3 में कन्वर्ट हो सकता है आसानी से, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ओवरऑल हम क्या देखें कि PCl5 डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर कैनॉट बी इंक्रीज फ्रॉम +5 टू नेक्स्ट, एंड इट एक्ट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी डिक्रीज फ्रॉम +5 टू +3। बात क्लियर। इसके बाद है 7.17, जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ OSACTPO इन सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो ये पूरा हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट में डिटेल्स में पढ़े हुए हैं शुरू में, तो शुरू से ही आप देखिएगा ये सारे पैरामीटर्स के आधार पर इनका ग्रेडिंग हम लोग सेम ग्रुप में ही करते हैं। बैलेंस को देखिए, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को देखिए, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चर्चा उसमें पूरे डिटेल्स में की गई है, तो उससे आप इसका आंसर तैयार कर सकते हैं जहां पर ग्रुप 16 एलिमेंट के शुरू में ही है जनरल प्रॉपर्टीज में। फिर है कि 7.18, वाई इज डाई ऑक्सीजन अ गैस बट सल्फर इज अ सॉलिड। तो बस वहाँ भी सेम कंडीशन आ रहा है कि डाई ऑक्सीजन जो है, जो यहाँ पर ऑक्सीजन है 7.14 के लिए सेम वही आंसर है, बस यहाँ नाइट्रोजन के साथ है, वहाँ सल्फर के साथ है। इसमें भी सेम चीज़ है कि आपका जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में है, तो ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है तो वो वीकर होता है, और उसके का जगह पर सल्फर का जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसे स्ट्रॉन्गर होता है सिंगल बॉन्ड, साइज बड़ा होने के कारण, और ऑक्सीजन में चूंकि साइज छोटा होता है तो जो बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड तो बॉन्ड लेंथ कम का बनता है, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, लेकिन साथ में अदर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्स बढ़ जाता है जिसके कारण ये बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोर हो जाता है तो सिंगल वंडरवाल फोर्स की तरह बिहेव करता काम करता है, और इसलिए O2 फॉर्म आपका गैसीय स्टेज में पाया जाता है, जबकि सल्फर के केस में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है O बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्योंकि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है सल्फर में, तो इसलिए वो आपका एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है, मल्टीपल एसिड तक के रूप में पाया जाता है और सॉलिड होता है। इसके बाद है 7.19, नोइंग द इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी वैल्यूज फॉर O- एंड O2- एज -141 एंड 702 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स O2- स्पीसीज एंड नॉट O-। तो देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि O का जब सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो उसमें -141 किलो जूल उसका इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी है, और O से जब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2- बनाएगा तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो नियम इसके अनुसार क्या हुआ कि जब ये बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जबकि ये बनेगा तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो एब्जर्व करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये हम देखते हैं कि ये वाला ऑक्साइड फॉर्म ज़्यादा मिलता है, ये नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा द नंबर ऑफ ऑक्साइड्स विथ O- शुड बी ग्रेटर, बट द नंबर ऑफ O2- ऑक्साइड्स इज ग्रेटर बिकॉज क्यों है? तो इसका कारण है क्रिस्टल लैटिस, तो बिकॉज द क्रिस्टल लैटिस इज मोर स्टेबल इन O2 फॉर्म।
इन O2 माइनस फॉर्म ड्यू टू ए स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन O2 माइनस देन O माइनस। तो जब दो निगेटिव हैं तो वहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स जो अट्रैक्शन का है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स तो इसमें ज़्यादा होता है, टू वाले में ज़्यादा होता है जबकि वन वाले में कम होता है लैटिस स्ट्रक्चर के कारण। तो इसलिए इस चूँकि जब दो है तो दो साइड से आपका अट्रैक्शन हो रहा है, वन में वन साइड से अट्रैक्शन होगा तो टू साइड का अट्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वन साइड का कम, किसी भी चीज़ पर अगर आप दो साइड से फोर्स लगाइए अट्रैक्शन का, एक साइड से लगाइए तो दो साइड वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसलिए आपका ओ टू माइनस वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स लगता है, ओ माइनस वाला कम लगता है। तो इसीलिए ओ टू के ही ज़्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम का है, कैल्शियम का है, सोडियम का है, आपके टू मोलिक्यूल्स वाले ज़्यादा, जैसे Na2O, K2O ये सब टाइप के मिलते हैं आपके। इसके बाद है कि 7.20 कि विच एरोसोल्स डिप्लेट ओजोन। तो आप जानते हैं इसको कि पढ़े हुए भी हैं, एग्जांपल में भी देखे थे क्लोरीन में, कि CFC और फ्रियोंस जो इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चाहे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये सब जो डिफरेंट टाइप के एरोसोल हैं ये आपको ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, वहाँ भी इसका शॉर्ट आंसर है बस, CFC या फ्रियोंस और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स। इसके बाद है कि 7.21 में कि डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टेक्ट प्रोसेस। तो H2SO4 के कॉन्टेक्ट प्रोसेस में प्रिपरेशन में पूरा हम लोग डिटेल्स अपने वीडियो में पढ़े हुए हैं, उसके वीडियो को आप देख करके और इसका तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है हाउ इज SO2 एंड एयर पोल्यूटेंट। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका राइट डाउन भी कर लेते हैं। ऐसे जानते हैं कि SO2 तो एक मेन है कि सफोकेटिंग गैस होती है और ये जब हमारे ट्रैक में लंग्स के अंदर जाती है तो ये अपना हार्मफुल इफेक्ट दिखाती है। दूसरा इसका इफेक्ट है कि ये जब रेन वाटर के साथ डिजॉल्व होती है तो हाइपर सल्फ्यूरस एसिड बनाती है और सल्फ्यूरस एसिड हमारे जब अर्थ पर आता है तो रेन वाटर के रूप में आता है तो हमको बैडली इफेक्ट करता है। और SO2 के और भी कई पोल्यूटेंट एग्जाम्पल्स आप वीडियो में देखे हुए हैं तो उससे भी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको राइट डाउन भी कर लेते हैं कि हाउ इज SO2 इज एन एयर पोल्यूटेंट। तो एयर पोल्यूटेंट के बारे में हम लोग अभी बात किए थे, उसको लिख भी लेते हैं कि जैसे इट इज एन इरीटेटिंग गैस और सफोकेटिंग गैस भी बोलते हैं, इरीटेटिंग गैस टू रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरीटेशन पैदा करती है और एट अ कंसंट्रेशन ऑफ इवन 5 ppm, यानी 5 ppm का पार्ट पर मिलियंस का भी कंसंट्रेशन अगर पाया जाता है तो इट कॉजेज थ्रोट एंड आई इरीटेशन, इट कॉजेज ब्रेथलेसनेस एंड अफेक्ट द वॉइस बॉक्स ऑल्सो, यानी सफोकेटिंग और इरीटेटिंग इफेक्ट पैदा करती है, आई के लिए भी थ्रोट के लिए तीखी लग सकती है। फिर एट लो कंसंट्रेशंस इट हार्मफुल फॉर प्लांट्स ऑल्सो, क्योंकि ये प्लांट में क्लोरोफिल के फॉर्मेशन रेट को डिक्रीज कर देती है, तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन रेट कम हो जाने से जो लीव्स होती हैं वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं कर पाती हैं, उसमें क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट की कमी हो जाती है जिससे क्लोरो फोटोसिंथेसिस का रेट कम होने लगता है। फिर ये वाटर और मोस्ट के साथ तो करके एसिड रेन सल्फ्यूरस एसिड को करके बनाती है और एसिड रेन से हमारे डिफरेंट मार्बल्स डिटा प्लांट्स वगैरह सब बैडली इफेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से कुछ SO2 के हार्मफुल इफेक्ट्स थे। और इसके बाद 7.23 में है कि वाई आर हैलोजन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो देखिए हैलोजन्स जो भी होते हैं उनमें अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस से केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वैलेंस शेल में, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को किसी भी अदर सोर्स से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इनकी टेंडेंसी बाकी सारे एलिमेंट्स से ज़्यादा होती है, सेम पीरियड में सबसे ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, तो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फिर है कि एक्सप्लेन व्हाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड।
तो चूंकि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, एब्सेंट होता है डी ऑर्बिटल, इसलिए केवल वो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट के ही कंपाउंड बना पाता है, जबकि बाकी जो हैं उसमें प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस टू अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले भी कंपाउंड बना सकते हैं। तो इसीलिए फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, जबकि बाकी जो हैं उसके एक से ज़्यादा ऑक्सो एसिड टाइप अलग अलग टाइप के बनाते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जबकि एफ में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसलिए ओनली प्लस वन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बाद है एक्सप्लेन व्हाई इन स्पाइट ऑफ नियरली द सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाइल क्लोरीन डज नॉट। तो देखिए इसका कारण है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जो डिफरेंस होना चाहिए वो तो दोनों का सेम है, तो जितना हाइड्रोजन नाइट्रोजन थ्री है तो जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का है उतना ही क्लोरीन और हाइड्रोजन का भी है, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, वो लगभग 70 पिकोमीटर के रेंज में होता है 70 पिकोमीटर, और क्लोरीन का 99 पिकोमीटर का एटॉमिक साइज होता है। तो नाइट्रोजन का साइज जो है वो छोटा होने के कारण ये पोलराइजिंग इफेक्ट जो होता है नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा होता है और क्लोरीन का कम होता है। तो जिसमें पोलराइजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, पोलराइजेशन स्ट्रांगली होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वही आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है लेकिन क्लोरीन नहीं बना पाता। तो आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन कैन कॉज ग्रेटर पोलराइजेशन ऑफ NH बॉन्ड देन Cl इन केस ऑफ CLH बॉन्ड ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ N 70 पिकोमीटर देन क्लोरीन 99 पिकोमीटर, देयरफॉर N कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट Cl नॉट। इसके बाद है आपको 7.26 राइट टू यूजेज ऑफ ClO2 लिखा हुआ है, द यूजेज ऑफ ClO2 इट यूजेज एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज़ यूज एज ए जर्मिसाइड फॉर डिसइनफेक्टिंग वाटर, वाटर को डिसइनफेक्ट करने के लिए आपको जर्मिसाइड के रूप में भी यूज करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं। इसके बाद 7.27 में है कि व्हाई आर हैलोजन्स कलर्ड, तो हैलोजन्स के कलर इफेक्ट को हैलोजन के जनरल प्रॉपर्टी में भी देख चुके हैं, ये चूँकि विजिबल रीजन के रेडिएशन को स्ट्रांगली गेन करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इसलिए ये उनका विशेष कलर इफेक्ट देता है, जिसके बारे में डिटेल्स अलग अलग कलर कंपाउंड को हम लोग देख चुके हैं, है वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक लेकर भी लिख सकते हैं। तो मेन कॉज क्या है कि ये जो विजिबल रीजन के स्पेक्ट्रम हैं उनको ये ज़्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए वो डिफरेंट कलर में दिखाई देते हैं। इसके बाद है कि राइट द रिएक्शंस ऑफ F2 एंड Cl2 विथ वाटर, तो यहाँ पर देखिए ये फ्लोरीन का रिएक्शन दिया हुआ है, फ्लोरीन जो होता है ये जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बेसिकली वो O2 और O3 बनाता है, याद रखिएगा, जैसे कम ऑक्सीजन वाटर होगा 3 फ्लोरीन 2H2O के साथ रिएक्ट करेगा HF बनाएगा और O2 बनाएगा, यही जो 3F2 3H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो 6HF बना लेगा और O3 आपका बना लेता है, तो ओजोन और ऑक्सीजन बनाते हैं जब फ्लोरीन रिएक्ट करता है, तो अब वही जब क्लोरीन रिएक्ट करता है तो उसका नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, तो Cl2 प्लस H2O सनलाइट के प्रेजेंस में 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बना लेता है। और इसके बाद ये 7.29 में दिया हुआ है क्वेश्चन कि हाउ कैन यू प्रिपेयर Cl2 फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम Cl2। अब देखिए रिएक्शन लिखना है हमको, तो यहाँ पर क्या है कि पहला कह रहा है कि Cl2 का प्रिपरेशन करना है HCl से, तो जब Mn2 और HCl का रिएक्शन कराते हैं तो आपका Mn
Cl2 बनता है, क्लोरीन बनता है और वेस्ट वो ये क्लोरीन का आपका मेथड में भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। इसके बाद है कि क्लोरीन से HCl, तो बस जस्ट ऊपर वाला ही रिएक्शन लिख दीजिए, जैसे आपको HCl यहाँ बना Cl2 प्लस H2 और सनलाइट के प्रेजेंस में 2HCl प्लस O2, तो यहाँ पर ये बन गया और यहाँ पर ये बन गया। तो इस तरीके से हमने 7.29 तक का क्वेश्चन देखा और इसके बाद 7.30 से लेकर के उसके लास्ट 7.40 तक के क्वेश्चन हैं, तो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे उसको और उसके बाद तब डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के एलिमेंट के चैप्टर की शुरुआत की जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ।